हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने चेकआउट किया था कैस्कोड करंट मिरर। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लो वोल्टेज कैस्कोड करंट मिरर, ओके, विच इज योर हाई स्विंग करंट मिरर आल्सो। तो उसका कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक स्मॉल चेंज है कि आपको इन फोर ट्रांजिस्टर्स का आपको वेट थोड़ा और इंक्रीज करना है। उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा, बिकॉज यू कांट फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन। देन आप के दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है सैचुरेशन में नहीं वर्क करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, डब्ल्यू जो था, हम लोग यूजुअली 10 माइक्रो लेते थे, उसको 12 कर देना है, बस 2 माइक्रो से और इंक्रीज करना है, सो दैट लेटर आपको रीजन पता चल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 माइक्रो बाय 1 माइक्रो हमने रखा हुआ है इन चार ट्रांजिस्टर के साइजेस। एंड इस जो यहाँ पे ये दूसरा अलग से एक ट्रांजिस्टर है, उसका आपको रखना है बेसिकली 1/4 ऑफ दीज साइजेस। तो 12 का 1/4 करेंगे तो 3 माइक्रो आएगा, तो 3 माइक्रो बाय 1 माइक्रो, ओके। सो दिस इज क्लियर। तो द साइजेस विल डिफर थोड़ा सा इसमें लो वोल्टेज कैस्कोड में, एंड देर विल बी टू करंट सोर्सेज आई रेफरेंस, ओके। नाउ विल जस्ट गो एंड सिमुलेट दिस अगेन। तीन चीजें करेंगे, पहले आउटपुट इम्पिडेंस निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो VDS को हमने यहाँ पे VDS वोल्टेज लिया है एज अ वेरिएबल, एंड AC मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट। देन सेम ये 12 माइक्रो बाय 1 माइक्रो ये वाले, एंड दिस इज 3 माइक्रो बाय 1 माइक्रो। द रेस्ट इज सेम 100 माइक्रो एम्पियर्स की करंट। एंड देन अगेन विल स्टार्ट अवर सिमुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ID को लेके आएंगे, एंड कौन सी एनालिसिस करनी है हमें, AC एनालिसिस फर्स्ट। सो 1 से 1 GHz, देन कुछ वेरिएबल्स भी है, कॉपी कर लेते हैं। VDS सो 0.9, एंड सब हो गया। सो विद रन, सो दिस इज योर ID वर्सेस VDS, राइट, सॉरी ID वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ आपको क्या करना है, आपको चाहिए आर आउट। तो बेसिकली आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके पहले तो इस कर्व को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। पहले इस वेव फंक्शन को हम सिलेक्ट करना होगा, तभी हम कर्व को सिलेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज वेव, नाउ 1/x, राइट। तो 1/x आप पावर करो इस पे 3.52 मेगा ओम। सो नाउ यूर आर आउट इज 3.52 मेगा ओम, सो विच इज कैलकुलेटेड हेयर। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज DC एनालिसिस टू फाइंड आउट ID, क्या वेदर ID इज मिररिंग इटसेल्फ टू 100 माइक्रो एम्पियर्स। नाउ टू फाइंड आउट ID अगेन हम लोग जाके नाउ DC एनालिसिस, ओके। DC में सेव DC ऑपरेटिंग पॉइंट कंपोनेंट पैरामीटर में हम लोग अगेन VDS को चुनेंगे, एंड व्हाट विल डू इज 0 से 1.8, राइट। नाउ दिस इज डन, AC को विल स्विच ऑफ। नाउ अगेन सिमुलेट एंड यू विल गेट ID वर्सेस VDS। सो दिस इज ID वर्सेस VDS। सो एज यू कैन सी 100 माइक्रो एम्पियर्स वी आर एबल टू रीच। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज नाउ रीजन ऑफ ऑपरेशन को फाइंड आउट करना, दैट इज योर मिनिमम वोल्टेज टू ड्राइव बोथ दिस M2 एंड M4 इन सैचुरेशन रीजन। तो अगेन हमें दो रीजन ऑफ ऑपरेशन करने हैं, जस्ट लाइक एज वी डिड इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट विच वॉज कैस्कोड करंट मिरर। तो सेम थिंग रीजन ऑफ ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड आउटपुट सेटअप। सो ROP ऑफ अपर ट्रांजिस्टर विल गो टू कैलकुलेटर, ओपन क्लियर करेंगे, एंड विल सिलेक्ट दिस OPT, अपर वाला ट्रांजिस्टर सिलेक्ट करूंगा मैं। एंड देन लिस्ट में जाके रीजन को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे गेट एक्सप्रेशन एड, ओके डन। सो आपका ROPU आ गया, ठीक है। एंड ROP बॉटम भी सिलेक्ट करना है अगेन, सेम चीज़, ठीक है। कुछ और दबा दिया गया, सेम था क्या पता नहीं, 1 सेकेंड। आउटपुट सेटअप, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा उल्टा क्या दिखा रहा है फ्रॉम डिजाइनिंग चीज। वन सेकेंड। सो नाउ फॉर ROP ऑफ बी, वॉट विल डू इज यहाँ पे ROP बी करेंगे, एंड अगेन गेट एक्सप्रेशन। तो दिस इज NM4, बट हमें किसके लिए करना है, NM2, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा NM2। सो विल एड, ओके राइट। रीजन ऑफ ऑपरेशन हो गए, नाउ वी नो हमें पैरामीटर का एनालिसिस करना है। सो हम लोग पैरामीटर में जाएंगे, देन VDS को वेरिएबल है, इसको 0 से 1.8 वेरी कराएंगे, एंड देन व्हाट विल डू इज लीन स्टेप्स ऑफ 0.1, राइट। सो विल फाइंड आउट अगेन कि कौन सा वो मिनिमम वोल्टेज है VDS जब दोनों ट्रांजिस्टर्स सैचुरेशन में होंगे, एंड दैट विल बी ऑल द ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटेड फॉर द एक्सपेरिमेंट। सो नाउ वी कैन सी द कर्व। तो आपका अगर यहाँ पे आप होवर करोगे, दिस इज हाउ मच, 2 वोल्ट्स, 2 वोल्ट, सॉरी 500 मिली वोल्ट,
टू तो रीजन, ठीक है, तो दैट मीन्स टू टू मीन्स सैचुरेशन रीजन. तो आपका मिनिमम 0.5 वोल्ट है जब आपके दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है सैचुरेशन रीजन में जाएंगे. एंड दिस इज विच वन, द रेड वन इज आपका अपर वाला, दैट मीन्स अपर वाला ट्रांजिस्टर गेट्स सैचुरेटेड एट 500 मिली वोल्ट, जबकि लोअर वाला ट्रांजिस्टर 400 मिली वोल्ट पे सैचुरेट हो जाता है. बट व्हाट इज नाउ मिनिमम वोल्ट इज टू बिकम बोथ ट्रांजिस्टर्स इन सैचुरेशन, दैट इज 500 मिली वोल्ट. तो यहाँ पे आप देखो 500 मिली वोल्ट, तो आपके तीन ही वैल्यूज आ गए. आपने आई आउट निकाला 99.8 एचयू एट वीओमिन, आर आउट आपने निकाला 3.52 मेगा ओम, नाउ योर वीओमिन इज 500 मिली वोल्ट. सो दैट्स इट, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट हैज बीन मेट. तो एंड इसी के साथ हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हुआ. तो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताया, एंड आई होप आई सी यू द नेक्स्ट टाइम.